डार्कलॉर्ड सौरोन के सर्वेंट्स की कई सारी कहानियां मिडलर्थ पर सुनाई जाती हैं। इनमें से ऑफ्टनली हम ऑक्स के बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन सौरोन ने कुछ क्रीचर्स ऐसे भी बनाए थे जिनकी अपीयरेंस मिडलर्थ की हिस्ट्री में बहुत कम होती है, लेकिन उनका इम्पैक्ट मिडलर्थ की टाइमलाइन को कई बार चेंज करता है। मूवीवर्स 85 पर आज हम सौरोन के वेयरवुल्फ्स के बारे में बात करेंगे। वेयरवुल्फ्स का पहला अपीयरेंस मिडलर्थ पर वॉर ऑफ ज्वेल्स के दौरान वॉल्यूम 11 में होता है। उस चैप्टर में हमें बताया जाता है कि वैलियन ईयर 1330 में बैरीलैंड के मैदानों से कुछ इविल क्रीचर्स बाहर आते हैं। ये क्रीचर्स डार्क फॉरेस्ट से डोरियत और आसपास की एल्फ्स की रिल में चले आते हैं। ये वेयरवुल्फ्स नॉर्मल वुल्फ से शेप में काफी बड़े होते हैं। इन वेयरवुल्फ्स की शेप इंसानों जैसी नहीं थी, लेकिन इन्हें एक इंसानी स्पिरिट कंट्रोल कर रही थी। ऑक्स और ड्रैगन्स को डार्क लॉर्ड मोरगोथ ने बनाया था, लेकिन इन वेयरवुल्फ्स की हिस्ट्री मिडलर्थ के सेकेंड डार्क लॉर्ड सौरोन से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि सौरोन ने इन वेयरवुल्फ्स में बुरी स्पिरिट्स को डाल दिया था और ये डार्क स्पिरिट्स इन वुल्फ्स के थ्रू सौरोन को सर्व करती थी। इन वेयरवुल्फ्स में सबसे पहले वेयरवुल्फ का नाम ड्रागलिन होता है। ड्रागलिन को फादर ऑफ वेयरवुल्फ्स कहकर बुलाया जाता है। ड्रागलिन की मदद से ही सौरोन ने फिनरोड के वॉच टावर मिनास तिरिथ को जीता था। सौरोन ने इस टावर का नाम बदलकर टॉल इन गैलरोथ रख दिया था। इसके बाद इन वेयरवुल्फ्स ने ब्रायन और लूथियन की कहानी में भी काफी सारा इफेक्ट डाला। 465 फर्स्ट एज में जब फिनरोड और बैरन टॉल इन गैलरोथ से गुजर रहे थे, तब इन वेयरवुल्फ्स ने बैरन और फिनरोड को पकड़कर सौरोन के सामने पेश किया। सौरोन ने इन दोनों को प्रिजन में बंद किया और वहीं पर वेयरवुल्फ से लड़ते हुए फिनरोड मारा गया। फिनरोड ने मरने से पहले वहां पर बचे हुए वेयरवुल्फ्स को मार दिया था, इसलिए बैरन बच जाता है और आगे चलकर लूथियन और हाउंड नाम का एक मॉन्स्टर डॉग उसकी मदद के लिए टावर ऑफ आल्स पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उस मॉन्स्टर हाउंड को देखकर सौरोन के वेयरवुल्फ्स थोड़ा डर जाते हैं, और जब सौरोन को इस बात का पता लगता है तब वो गुस्से में आ जाता है। जब सौरोन को पता चलता है कि लूथियन मैलियन की बेटी होती है, तब वो लूथियन को जिंदा पकड़ना चाहता है ताकि वो मोरगोथ को एक गिफ्ट दे सके, क्योंकि मोरगोथ लूथियन के पिता थिंगोल और उसकी मदर मैलियन को पसंद नहीं करता। जिसके बाद सौरोन एक मॉन्स्टर वेयरवुल्फ को हाउंड और लूथियन से लड़ने के लिए भेजता है, लेकिन हुआन उस वेयरवुल्फ को मार देता है। इसके बाद एक एक करके सौरोन कई सारे वेयरवुल्फ को वहां पर लड़ने के लिए भेजता है, लेकिन लूथियन और हाउंड उन सभी वेयरवुल्फ को मार देते हैं। इसके बाद सौरोन अपने सबसे खतरनाक वेयरवुल्फ ड्रैगलिन को हाउंड और लूथियन से फाइट करने के लिए भेजता है, जिसके बाद हुआन और ड्रैगलिन में एक लंबी बैटल चलती है, जिसके बाद ड्रैगलिन भी हाउंड से हार जाता है और वो भागकर सौरोन के पास उसके टावर में आता है और वो सौरोन के पैरों के नीचे अपना दम तोड़ देता है। एक्चुअल में हुआन जो कि एक मॉन्स्टर डॉग होता है, उसके बारे में एक प्रोफेसी मिडलर्थ पर बहुत पॉपुलर थी। वह प्रोफेसी होती है कि हुआन को मिडलर्थ का सबसे ग्रेटेस्ट वेयरवुल्फ ही खत्म कर सकता है, जिसके बाद सौरोन एक बहुत बड़े वेयरवुल्फ की फॉर्म ले लेता है और वो उस प्रोफेसी को पूरा करने के लिए हुआन से लड़ने जाता है। सौरोन ने जिस वेयरवुल्फ की फॉर्म ली थी वो वहां पर सभी वेयरवुल्फ में सबसे बड़ा था। वहीं दूसरी ओर अगर हाउंड की बात की जाए तो वो भी एक नॉर्मल हाउंड नहीं था। एक्चुअल में वो वेलिनोर का हाउंड था, जिसे कोई भी इविल स्पिरिट या फिर कोई डार्क बीस्ट खत्म नहीं कर सकता। यहाँ पर सौरोन हाउंड से हार जाता है और जब हाउंड सौरोन की गर्दन पकड़ लेता है तब सौरोन एक स्नेक की फॉर्म ले लेता है, लेकिन हाउंड तब भी सौरोन को नहीं छोड़ता और यहाँ पर सौरोन को ही अपनी फिजिकल फॉर्म छोड़नी पड़ती है। जिसके बाद सौरोन खुद को बचाने के लिए लूथियन से एक डील करता है। वो टॉल इन गोरथोर्ड की लैंड लूथियन को दे देता है और बदले में उसे बोलता है कि हाउंड उसे छोड़ दे। इसके बाद लूथियन उसे छोड़ देती है और यहाँ पर सौरोन एक वेम्पायर की फॉर्म लेकर टॉर उन के जंगलों में भाग जाता है। इसके बाद लूथियन अपने जादू से खुद भी एक वेम्पायर की शेप ले लेती है और साथ ही वो बैरन को ड्रैगलिम की बॉडी से वेयरवुल्फ बना देती है, जिसके बाद वो दोनों मोरगोथ के फोर्ट एंगबैंड की तरफ चले जाते हैं ताकि वो मोरगोथ से 3 सिल्मरिल्स ले सकें। उधर मोरगोथ को भी सौरोन और बैरन और लूथियन के बारे में खबर मिल जाती है, जिसके बाद मोरगोथ खुद एक मॉन्स्टर्स वेयरवुल्फ को बनाता है। वो उस वेयरवुल्फ में खुद की पावर डाल देता है, जिसके बाद उस वेयरवुल्फ का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। इस वेयरवुल्फ का नाम खारग्रोथ होता है। इसके बाद मोरगोथ इसे एंगबैंड्स के गेट पर छोड़ देता है
और ये वेयरवुल्फ हॉर्न का इंतजार करने लगता है। इसके बाद 466 फर्स्ट एज में जब बैरन, लूथियन और हॉर्न एंगबेंड के फॉरेस्ट में पहुंचते हैं तब खैरग्रोथ उन्हें देख लेता है। यहाँ पर लूथियन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके खैरग्रोथ को सुला देती है और एंगबेंड में पहुंचने के बाद लूथियन फिर से अपने मैजिक को यूज करती है और वहां पर सभी मॉन्स्टर्स को वो सुला देती है। उसका ये सॉन्ग इतना पावरफुल था कि यहाँ पर मोरगोथ भी सो जाता है, जिसके बाद ये लोग सिलमरिल को चुरा लेते हैं। और यहीं पर बैरन जब दूसरा सिलमरिल मोरगोथ के ताज से निकालने लगता है तब उसकी चाकू की आवाज से मोरगोथ उठ जाता है, जिसके बाद बैरन और लूथियन वहां से भागते हैं। लेकिन रास्ते में उनके सामने वो मॉन्स्टर वेयरवुल्फ खैरग्रोथ खड़ा होता है। इस टाइम पर लूथियन काफी वीक होती है और वो खैरग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर पाती, लेकिन यहाँ पर बैरन खैरग्रोथ के सामने खड़ा हो जाता है और उसे सिलमरिल दिखाता है। सिलमरिल की रोशनी को देखकर खैरग्रोथ डर जाता है और वो कुछ टाइम तक खड़ा ही रहता है, जिसके बाद बैरन उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर खैरग्रोथ सिलमरिल की लाइट से कंट्रोल नहीं होता और वो बैरन के हाथ पर काट लेता है। इसी मोमेंट पर बैरन और लूथियन वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद कारग्रेथ इतनी जोर से चिल्लाता है कि वहां पर सभी ऑक्स डर जाते हैं और जो भी इविल क्रीचर उसके रास्ते में आता है वो उसका रास्ता छोड़कर भाग जाता है और कारग्रोथ अपने रास्ते में आने वाली हर लिविंग चीज को मार देता है। इसके बाद बैरन और लूथियन डोरियथ पहुंच जाते हैं और जब थिंगोल उनके हाथ में सिलमरिल देखता है तो वो उन दोनों की शादी करवा देता है। इसके बाद पागल हुआ खारग्रोथ भी डोरियथ पहुंच जाता है और वो वहां के एल्फ्स पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। यहीं पर उसका नाम अनफॉगलियर रख दिया जाता है। जब किंग थिंगोल और बैरन को पता लगता है कि एक ग्रेट वेयरवुल्फ डोरियथ के रिल्म में आ चुका है तब वो एल्फ्स की एक टुकड़ी बनाते हैं और वो उस वेयरवुल्फ को ढूंढने लगते हैं। इन्हीं एल्फ्स और बैरन के साथ हुआन भी इस क्वेस्ट को ज्वाइन करता है, जिसके बाद खैरग्रोथ सोल्जर्स के इस ग्रुप पर हमला करता है, लेकिन यहाँ पर हुआन उससे फाइट करता है, जिसके बाद मिडल अर्थ पर एनिमल्स में होने वाली ये डेडलिस्ट बैटल थी। एक तरफ वेलार्स की पावर के साथ हुआन लड़ रहा था और दूसरी तरफ मोरगोथ के ईवल से बना खैरग्रोथ उसके सामने था। इन दोनों के बीच काफी देर तक बैटल चली और एंड में हुआन खैरग्रोथ को मार देता है, लेकिन इस टाइम तक हुआन भी इतना जख्मी हो चुका था कि उसके जख्म भर नहीं पाते और वो भी मारा जाता है। मरने से पहले हुआन बैरन के पास आता है और वो बैरन के पास ही अपना दम तोड़ देता है। यहाँ पर बैरन भी जख्मी हो चुका था और जब वो मरने वाला होता है तब लूथियन उसके पास आती है और वो अपने मैजिक से और वेलार्स की प्रेयर्स से ब्रायन को बचा लेती है। ड्रागलिम और खैरग्रोथ की डेथ के बाद वेयरवुल्फ्स की हिस्ट्री मिडल अर्थ पर ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। बुक्स में सेकंड और थर्ड एज में गैंडोल्फ कई बार वेयरवुल्फ्स का जिक्र करता है, लेकिन बुक्स में वेयरवुल्फ्स फिर कभी अपीयर नहीं होते। सेकंड और थर्ड एज में वेयरवुल्फ्स की जगह पर रैग ले लेते हैं। रैग्स को एक्चुअल में ड्रागलिम और खैरग्रोथ का डिसेंडेंट ही माना जाता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन यह उठता है कि सौरोन ने फिर से वेयरवुल्फ्स को ब्रीड क्यों नहीं किया। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर।